Hey guys, very very good morning and welcome to my channel Indian Mom Kanchan. So guys, यहाँ पर बज रहे होंगे सुबह के 5 या 5:30 लगभग, और उस टाइम मैं बना रही थी रंगोली. रंगोली मीन्स ऐसे ही वो दिए लगा रही थी, और यहाँ पर दिए लग चुके हैं मेरे, और आप देख सकते हो बाहर का नज़ारा. उठ गई थी सुबह सुबह और बच्चों को भी उठा दिया था. और हमारे यहाँ पे क्या होता है कि सुबह सुबह उठ जाते हैं दिवाली के दिन, और अभंग स्नान करते हैं, और वो उपटन वगैरह लगा के स्नान होता है, नहाते हैं, और उसके बाद घर पे जो स्नैक्स बनता है वो खाते हैं, और फिर दिवाली की शुरुआत होती है दिवाली के दिन की. आपके घर पे कैसा होता है, आपके यहाँ पे कैसा होता है, हर जगह का अलग अलग रीति रिवाज है, इसी वजह से मैं आपके साथ ये वाला शेयर कर रही हूँ. हमारे यहाँ पे कैसा होता है, महाराष्ट्र में स्पेशली विदर्भ में क्या क्या होता है, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बना रही थी, मतलब यहाँ के दिए लगा रही थी. एक्चुअली सारे जगह के दिए लग गए थे. सुबह सुबह उठ के लक्ष्मी जी का वेलकम करते हैं हमारे यहाँ पे दिए वगैरह लगा के, और उसके बाद आज के दिन तो कोई भी हो वो सुबह ही उठता होगा, मुझे ऐसे लगता है हमारे यहाँ पे. और बस यहाँ पर दिए लगा दूँ, और उसके बाद उपटन वगैरह लगाऊंगी बच्चों को इनको, और वो नहा लेंगे. उसके बाद फिर वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगा जो त्यौहार का रूटीन होता है. बहुत मज़ा आता है दिवाली के दिन हमारे यहाँ पे, आपको क्या ही बताऊँ. और सबसे अच्छी बात तो सुबह उठने की लगती है. सुबह सुबह उठो, और वो आपने ऐड देखी होगी ना, उठा उठा दिवाली आली, मोती स्नानाची वेळ झाली, उसी टाइप से हमारे यहाँ पे सुबह सुबह उठते हैं, उपटन वगैरह लगा के रेडी हो जाते हैं. तो ये बन गई मेरी रंगोली, मतलब दिए लग गए यहाँ पे. और कैसे लग रहा है ज़रूर बताना, मैं आपको घर भी सजा हुआ आपको बाद में दिखाऊंगी, मतलब रात को दिखाऊंगी सब कुछ जो भी होगा वो. अभी तो ये शुरुआत है दिवाली का, जो त्यौहार होता है सबसे बड़ा त्यौहार होता है अपने साइड में. और उस त्यौहार में जो भी होता है हम लोग बहुत दिल से करते हैं. यहाँ पर देखो अद्विक को भी जैसे उठा दिया वैसे ही उठ गया, और हैप्पी दिवाली विश करने लगा सबको. बस यहाँ पर उपटन की थाली रेडी कर रही हूँ, उपटन की थाली रेडी कर लूँ. ये है कटोरी में उपटन, अभी उपटन लगाऊंगी अद्विक को, उसके पापा को, और माही को तो पहले ही लगा दिया था, माही नहाने चली भी गई थी. उसके बाद अभी इन दोनों को लगाऊंगी. और लगाने के टाइम पे भी सुबह सुबह उपटन लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. हम भी ऐसे ही छोटे थे ना, तो बचपन की याद आ जाती है, मतलब मम्मी सुबह सुबह उठा देती थी और फिर हम लोग उपटन लगाने एक लाइन में बैठ जाते थे. मज़ा आता था, लेकिन उस टाइम बचपन की बात ही अलग होती है. अब हमारे बच्चों का टाइम है, हमारे बच्चे ऐसे बैठ रहे हैं, जब हमारे बच्चे वैसे करेंगे उनके बच्चों के लिए तो उनको वही याद आएगी. तो हमें तो हर साल याद आती है. हम तो हर साल, मतलब मेरा भाई, मैं मम्मी को बोलते भी है कि यार मम्मी आप कितने सुबह सुबह उठा देती थी हमें, और हम लोग कितने अच्छे से बैठते थे. तो वही होता है, यहाँ पर उपटन लगा रही हूँ. और उपटन आज के दिन, मतलब उपटन का भी महत्व होता है. एक एक सारी चीज़ें जो पौराणिक है वो सारी चीज़ों का महत्व है, इसी वजह से वो चीज़ें हम लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं, और वो चीज़ें हमें हमारे बच्चों को भी सिखानी है, तो इसीलिए हमें वो फॉलो करनी होगी, क्योंकि हमारे बच्चे उसी से ही सीखेंगे आगे चल के, हमारी परंपरा बनी रहे, इसीलिए हम लोग को वो सिखाना भी पड़ेगा. देखो अद्विक पहले वो कटोरी में दिखाना तो लगाने के लिए मना कर रहा था, ऐसे ही करते हैं बच्चे, बट जब वो बड़ा हो जाएगा तो यही चीज़ें उसे याद आएगी, और उसी में ही उसको इंटरेस्ट आने लगेगा. तो देखो अभी गाल को और हाथों को लगाने के लिए मना कर रहा था, थोड़ी देर में वही बोलने लगेगा कि मम्मा स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है. तो ऐसे ही होता है. चलो अभी अद्विक को उपटन लगा देती हूँ, और उसके बाद फिर बाकी के काम करती हूँ. हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन. सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप गाइस आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ. तो गाइज, आज है दीपावली, और आप सभी को दिवाली की, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं. अभी अभी अद्विक ने नहा लिया है, अभी अद्विक को टीका लगाने वाली हूँ मैं. अद्विक रेडी हो चुका है. रेडी नहीं करके दिया, ऐसे ही मम्मा बैठ गई सबको विश करने के लिए, है ना? हाँ. और सबको विश करो हैप्पी दिवाली, सभी को हैप्पी दिवाली. हाँ, तो चलो गाइज अभी अद्विक को टीका लगाती हूँ. अद्विक रेडी हो गया है, अद्विक के पापा रेडी हो रहे हैं, सब ने नहा लिया है, और हम लोगों का सब कुछ हो गया, जो सुबह दिए वगैरह लगाते हैं सब कुछ हो गया है. तो चलिए अभी यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ मूंग के पकौड़े, और ये रख दिया है यहाँ पे तेल, हो
और अभी बना लेती हूँ मूंग के पकोड़े ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ पर माही दिए निकाल के रख रही है जो रात को हमें लगाने हैं, क्योंकि सुबह से अगर तैयारी करते हैं ना, सुबह से मीन्स दोपहर से वो तैयारी करने लग जाती है, तो फिर दियो की तैयारी उसके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है दियो की, तो इसीलिए वो दोपहर से ही लग जाती है दियो के लिए। और यहाँ पर मेरा खाना बन रहा है, मैं खाना बना लूँगी और उसके बाद फिर मुझे भी तैयारी करनी है, जैसे कि रंगोली वगैरह बनानी है और वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप लोगों को सभी को पता है पनीर की सब्जी बना रही हूँ मैं, जैसे कि हर त्यौहार में बनती है। और यहाँ पर आपको पूजा दिखा देती हूँ, पूजा इस तरह से रेडी की है, अभी दिए वगैरह लगाना बाकी है क्योंकि शाम को दिए लगेंगे। अभी पूजा आपको फ़िलहाल दिखा दे रही हूँ कि कैसे कैसे पूजा रखी है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे पूजा होती है, और आप कमेंट करके बताना आपकी दिवाली कैसे गई और कैसे रहा सब कुछ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा सुन के। और हाँ, क्या क्या किया आपने दिवाली पे, क्या क्या स्नैक्स बनाए वो भी ज़रूर बताना, मेरा तो आपको सभी को पता है बट आप सभी का मुझे नहीं पता ना, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो सब कुछ, तो उसी के थ्रू मुझे पता चलेगा। तो गाइस, काफ़ी देर से आप लोगों से बात ही नहीं करना हुआ, मैं थोड़ा सा खाना बनाने में बिजी हो गई थी, और उसके बाद अभी खाना बन गया है, सब कुछ रेडी हो गया है, पूजा वगैरह वहां पर सब कुछ निकाल के रखा है, पूजा का सामान। और यहाँ पर मैं तोड़ रही थी ये वाले फूल, मतलब गेंदे के फूलों के पंखुड़ियाँ निकाल रही थी, क्योंकि उसकी रंगोली बनानी है मुझे। यहाँ पर डेकोरेशन थोड़ा सा करके रखा है मैंने, यहाँ पर ये टेबल डेकोरेट करके रखा है, थोड़ा सा वो भी उठाना है, और उसके बाद यहाँ पर भी ये डेकोरेट करके रखा है, सब कुछ हो गया है। अभी थोड़ी देर के बाद मैं रेडी होती हूँ, उससे पहले ये रंगोली बना लूँगी। और ये है अद्वीक यहाँ पे, और उसके बाद माही क्या कर रही है वो भी दिखा देती हूँ आपको। माही हमेशा की तरह उसके वही क्या बोलते हैं, तो दिए की तैयारी कर रही है, हर साल माही दियो की तैयारी करती है। एक मिनट, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा दूं। माही दियो की तैयारी करी है, दिए लगा रही है, और ये सब कुछ निकाल के रखा है यहाँ पे। खाने में भी क्या क्या है वो आपको दिखा दूंगी थोड़ी देर के बाद। हाँ, अभी दिखा देती हूँ, क्यों थोड़ी देर के बाद दिखाओ, अभी दिखा देती हूँ, एक मिनट आपको दिखाती हूँ। ये सारी चीज़ें हैं, अभी देखिए, पनीर की सब्जी है, दाल है, चावल है उसमें, यहाँ पर कढ़ी है, और ये सारी मिठाइयाँ निकाल के रखी है, और ये हमारी माही बिटिया, और ये पूजा की थाली, मतलब सॉरी देवी की थाली भी निकाल के रखी है। और क्या, यहाँ पर किचन भी क्लीन हो चुका है, सब कुछ हो गया है। तुरु। तो गाइज, ये वाली रंगोली मैंने फूल की रेडी की है, कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे, क्योंकि मुझे रंगोली नहीं आती है, आप सभी को पता है, बट ऐसे ही मैंने बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर दिए निकाल के रख दिए हैं माही ने और उसके पापा ने, वो लोग दिए लगाएंगे, और उसके बाद मेरा तो मैं तैयारी करूँगी, बाकी की घर के अंदर जो भी है वो मैं करूँगी, और दिए वगैरह लगाने का काम माही का और उसके पापा का होता है, बहुत सारे दिए लगाने होते हैं ना, तो इसी वजह से वो दोनों ही लग जाते हैं दिए लगाने में, और मेरा काम अंदर का होता है, बाकी का सब कुछ संभालने का। हे गाइस, इस तरह से रेडी हो गई हूँ मैं, और फुल लुक आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी करना है हमें आरती, क्योंकि अभी करनी है हमें आरती, तो आरती के लिए रेडी हो चुके हैं सब लोग। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी सभी के लुक, बट सबसे पहले आरती कर लेते हैं, ठीक है। जय देव जय देव, जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे माण स्वामी मात्रे माण कामोणा कृति, जय देव जय।
लेती हो, लेके आओ। आदवी हाँ बेटा, आप कौन सा जला रहे हो? इधर है। हाँ हाँ, वो उसके ऊपर रखना थी। और मैं ये लगा रही हूँ। कौन सा? बड़ा सा। आप बड़ा सा? नाम तो पता लेकिन लगा रही हूँ। लगाओ लगाओ, देखना पीछे आपका वो शरारा बहुत ज्यादा बड़ा है। चलना नहीं आ रहा लेकिन। नहीं लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो लगाओ जल्दी जल्दी से। कोई तो भी, एक तो भी भगवान के पास रखना चाहिए था ना माही। सारे अभी तो ठीक है, जान दो। माही ने चुन्नी निकाल ली क्योंकि चुन्नी की वजह से माही को बिल्कुल भी पटाखे फोड़ने का मजा नहीं आ रहा था। आजी तू पण घे ना, फोड ना त्याच्यावर लाव। अद्वैक बाजूला होऊन जा बाळा। हे गाइस, बच्चे और ये पटाखे फोड़ रहे हैं और मैं बैठी हूँ यहाँ पर अभी देखते हुए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। सुबह से पैर इतने ज्यादा दर्द कर रहे हैं, आपको क्या ही बताओ। सभी लेडीज का यही हाल हो रहा होगा। सुबह से खड़े 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 पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है बट फिर भी, और इस तरह से बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। वाह, शूट कर रही हूँ मैं आपको। ये देखो चटोरी। माही के फेवरेट है काजू कतली, और मेरे भी। मेरे भी फेवरेट है, और आपकी? पेड़ा। अद्विक का, अद्विक को कलर से मतलब है, अद्विक को टेस्ट से मतलब नहीं है। चलिए राना और श्रीकांत से भी मिल लीजिए आप। काफ़ी दिनों से बोल रहे थे ना कि श्रीकांत भैया नहीं दिख रहे, तो श्रीकांत भैया और श्रीकांत भैया की वाइफ से भी मिल लीजिए। तो एक्चुअली उनके शादी के बाद की ये पहली दिवाली है, तो वो भी मिलने आ गए थे। और हम लोग मतलब हम लोग को पटाखे वगैरह फोड़ने हो गए थे, हम लोग अभी फोटो सेशन ही कर रहे थे, मतलब फोटो सेशन हो गया था उस टाइम वो मिलने आ गए थे अद्विक का। तो अद्विक ने ड्रेस भी निकाल दिया है और पटाखे फोड़ने लगा था। वैसे भी छोटे बच्चे ज़्यादा देर कपड़े रखते नहीं है, जो ऐसे ही फेस्टिवल के जो कपड़े होते हैं ज़्यादा चुभने वाले होते हैं, थोड़े से कड़क होते हैं, तो इसी वजह से बच्चे ज़्यादा देर रखते नहीं है। हो गया है और अभी खाना खाने का मन कर रहा है, तो खाना खाने वाला है अभी, क्योंकि सुबह से थके हुए हैं सब लोग। और हाँ, सब लोग कैसे लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, अद्विक माही और ये पर्पल है, जरा सा पर्पल। हाँ। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ, चूहे दौड़ रहे हैं। अद्विक और पापा सेम है, मैं थोड़ी डिफरेंट हूँ, मम्मा बहुत ही डिफरेंट है। हाँ, मैं थोड़ा सा, मेरा पर्पल में आ रहा है, मतलब इन तीनों का ब्लू सेम है। माही, आप तीनों का सेम है बट वो दोनों का तो ट्विनिंग कर रहा है वो दोनों।
वो अलग है बट सब कुछ सेम। आपको क्यों चीख आ रही है? पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया यार, इतने ज्यादा पटाखे फूट रहे हैं कि आपको क्या बताऊं। तो चलिए गाइस, हमने थोड़ा सी फोड़ा है। हाँ फोड़े, बट हमने वो क्या बोलते हैं तो वही फोड़ा ना, ज्यादा धुएं वाले नहीं फोड़े। धुएं वाले नहीं फोड़े हैं। और मेरी तो आंखें में चले गया था, सांस लेने में जैसे तेल हो रहा है। हाँ थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। तो चले गाइस, इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मुझे कमेंट करके बताना मेरा कुर्ता अच्छा है और कुर्ता पजामा अच्छा है क्या बताना। कुर्ता पजामा काला 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 तो चलिए फिर। और हाँ चेक करना मत भूलिएगा, इसके अलावा दो और चैनल है मेरे, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय गाइस, ध्यान रखना अपना, बाय, हाथ रखो इधर इधर इधर।